सिद्धार्थनगर कूड़ा नदी में डॉल्फिन मिलने पर चर्चा जोरों पर। डॉल्फिन को सोस भी कहा जाता है। यह पानी के किनारे जीवित अवस्था में फंसी, फिर झटपटा कर दम तोड़ दिया। कूड़ा नदी में डॉल्फिन कई वर्षों बाद देखी गई, इसे लेकर क्षेत्र में अत्यधिक चर्चा है। मिली जानकारी के अनुसार आज लगभग 10 बजे कूड़ा नदी में कुकुर बुकवा के पास बंधे में किसी चीज में उलझी हुई एक विशाल काय मछली नुमा जीव को कुछ चौराहों ने देखा और शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण वहां जुट गए और उस जीव को बाहर निकाला तो पता चला कि वह सूस था। सूस ही का बायोलॉजिकल नाम डॉल्फिन है। इसके बाद उसकी सूचना प्रशासन को दी गई। इस बारे में जिला वन अधिकारी सिद्धार्थ नगर ने बताया कि कूड़ा नदी में डॉल्फिन पाए जाने के बाद विभाग नदी का अध्ययन कर इस राष्ट्रीय महत्व के जलीय प्राणी के बारे में विस्तार से पता करेंगे कि इस नदी में डॉल्फिन किन किन कारणों से आ रही हैं। यह इको की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉल्फिन यानी सूस एक जलीय प्राणी है और स्तनपायी। यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कूड़ा नदी में डॉल्फिन सबसे पहले सन 2009 में देखी गई थी। उसके बाद सन 2007 में उसका बाजार के पास पाई गई। तीसरी बार आज सुहा क्षेत्र में पाई गई। उत्तर भारत में डॉल्फिन बिहार में गंगा नदी में बहुताय से पाई जाती है, मगर इधर वे कूड़ा नदी में लगातार क्यों आ रही है, यह अध्ययन का विषय है। मैं जनपद सिद्धार्थनगर का डिविजन फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, आकाश बदावन जी। सर, जो सिद्धार्थनगर जिले में कोई डॉल्फिन जीव मिली है, हाँ जी, जिसके बारे में आपको जैसा कि आज सिद्धार्थनगर के सुहास ग्राम समाज के कुकुर भुकवा ग्राम में एक गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन पाई गई है, जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है और ये शेड्यूल वन स्पीशीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल वन की स्पीशीज है, यानी इसकी जो प्रोटेक्शन है भारत सरकार द्वारा, जितने भी कानून है उनके द्वारा, जो टाइगर को या हाथी को जो प्रोटेक्शन मिलती है उसी लेवल की प्रोटेक्शन है, और ये हमारे भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। आज सुबह 11 बजे 10:30 के आसपास हमारे स्टाफ को सूचना मिली कि कुकुर भुकवा गाँव जो है सुहास ग्राम समाज में, वहाँ पे एक डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन मछली वहाँ पे पाई गई। वो मृत अवस्था में पाई गई थी। वहाँ पे जो प्रधान थे उन सब ने वहाँ पे कलेक्ट किया और उसको, क्योंकि मृत अवस्था में थी, जब तक हमारा स्टाफ पहुँच पाता उससे पहले ही उन्होंने उसको पानी में छोड़ दिया। तो स्टाफ जैसे वहाँ पे पहुंचे, कंसर्न दरोगा वन दरोगा वहाँ पे पहुंचे हैं और हमारी टीम भी बाद में गई है। और क्योंकि ये सिद्धार्थनगर में पहली बार पाई गई है, ये हमारी नदियों की रिवर इकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा है, जहाँ जहाँ पे भी पाया जाता है, क्योंकि बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीशीज है और जिस भी नदी में पाया जाएगा, जैसे कि ये कूड़ा नदी जो है ये राप्ती नदी के साथ में पीछे से जाती है, तो ये जहाँ पे भी पाई जाएगी वो रिवर इकोलॉजी अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसका सूचक है ये जी सर। तो इसीलिए काफी खुशी की बात है यहाँ पे जी। उसको साथ छोड़ दिया गया जी, बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली वो मृत अवस्था में ही पाई गई थी और हमारे स्टाफ के पहुंचने से पहले वहाँ पे ग्राम प्रधान से भी बाद में बयान लिए कि हमारे स्टाफ ने जाके तो वो पता लगा, उन्होंने भयभीत होके कि कल को कुछ कार्रवाई ना हो जाए कानूनन, इसके चक्कर में उन्होंने जैसे ही वो पाई वहाँ पे उन्होंने फोटोज खींची और फटाफट उसको पानी में रिलीज कर दिया है। हमारे स्टाफ गया है, उन्होंने मौके पे उसके बयान भी लिए जी सर। थैंक यू।